आपके निष्ठा ध्यान से समझिएगा, ये आपकी हस्तरेखाओं के अंदर विशेष रूप से जो ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत के ऊपर आप एक देखें वाई बना हुआ है, यहाँ पे ये वाई बन गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये यहाँ पे वाई बना है, ठीक है, ये शनि पर्वत के ऊपर ये वाई बना हुआ है, ये आपकी क्या भाग्य रेखा है और ये क्या है सूर्य रेखा है, क्या है सूर्य रेखा है। तो दोनों रेखाओं का जो संयोग बनता नजर आ रहा है 100% गवर्नमेंट जॉब दे रहा है आपको, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकती हो, इससे बड़ी पोस्ट में भी जा सकती हो, और भी किसी बड़े क्षेत्र के अंदर आप एडमिन में भी ट्राई करो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कोई सरकार के अंदर किसी उच्च पद के ऊपर आप आसीन हो जाएंगे। आपकी हस्तरेखा के हिसाब से आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया है, संतान सुख लिखा है, आपके ज्यादातर चांसेस है कि एक संतान होगी, एक पुत्र होगा पहली संतान, बाकी प्रभु इच्छा है। आयु की रेखा ठीक है, स्वास्थ्य रेखा ठीक है, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के अंदर थोड़ा सा जो बीच के अंदर आप देखें ना सांकल नुमा बनी हुई है, जैसे मणिबंध रेखा होती है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रगल ज्यादा है जीवन के अंदर, काम बनते बनते रुक जाना, पीएचडी करते करते लास्ट मोमेंट के अंदर आपकी स्टडी ब्रेक हो जाना, या गाइड का वो रिस्पॉन्स नहीं मिलना जो मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें क्या, एक आपकी कुंडली को भी जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो कुंडली के अंदर क्या काल सर्प दोष बनता है, 12वें घर का शुक्र राहु, 6ठे घर का शनि केतु, मंगल, अब मंगल ही बाहर है अकेला, तो आंशिक काल सर्प था, लेकिन इसमें और जो बारीकी से देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है आपका मंगल 13.36 डिग्री पे है और राहु केतु 13.35 डिग्री पे है, ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट क्या बराबर ही है, तो यहाँ पर आपको पूर्ण काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको काल सर्प दोष का एक इलाज कर लो, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे।